नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एंड स्पीकिंग। टुडे वी डिस्कस व्हाट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? व्हेन सेंटेंस फिनिश्ड ऑन चुका होगा, चुके होगे, चुकी होगी, दिया होगा, दिए होंगे, दी होगी, लिया होगा, लिए होंगे, ली होगी, गया होगा, गए होंगे, गी होगी, किया होगा, किए होंगे, की होगी, आ होगा, ए होगे, ई होगी। देन वी से दैट इट इज़ अ सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब कोई भी वाक्य इन शब्दों पर समाप्त होता है तब वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस वी यूज़ विल हैव एंड शैल हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब। वी यूज़ विल हैव विद सिंगुलर ही शी इट नेम एंड प्लूरल यू दे, एंड वी यूज शैल हैव विद प्लूरल आई एंड वी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। विल हैव का प्रयोग सिंगुलर ही शी इट नेम और प्लूरल यू दे के साथ किया जाता है और शैल हैव का प्रयोग प्लूरल आई और वी के साथ किया जाता है। द सेंटेंस इन विच द डिटर्मिनेशन ऑर्डर विल थ्रेट प्रॉमिस आर एक्सप्रेस सो विल इज यूज विद आई एंड वी एंड शैल इज यूज विद ही शी इट नेम एंड यू दे। जिन वाक्यों में दृढ़ निश्चय, आदेश, वसीयत, धमकी, वादा आदि की इच्छा प्रकट हो तो वहाँ विल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है और शैल का प्रयोग ही शी इट नेम और यू दे के साथ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस देर आर सेम वर्ड्स दैट इवन इफ दे कम इन सिंपल सेंटेंस द यूज ऑफ विल बी शैल बी चेंज अमॉन्ग देम सेल्फ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अगर साधारण वाक्य में आ जाए तो भी विल बी शैल बी का प्रयोग आपस में बदल जाता है। थर्ड पॉइंट व्हेन एवर दिस वर्ड फर्स्ट ही भी अवश्य जरूर पक्का समय सीमा तक आर यूज इन द सेंटेंस देन वी यूज शैल बी विद ही शी इट नेम यू दे एंड विल बी यूज विद आई एंड वी। जब भी कभी वाक्य में ही भी अवश्य जरूर पक्का समय सीमित तक आदि शब्द प्रयोग होते हैं तब ही शी इट नेम यू दे के साथ शैल बी और आई वी के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर मेकिंग दिस वी यूज सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 10 बजे तक उन्होंने सामान बांध लिया होगा। दे विल हैव पैक्ड दिस लगेज बाय 10। इस वाक्य में दे अर्थात उन्होंने सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, पैक्ड अर्थात बांध वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल हमें इस मकान में रहते हुए कल 4 वर्ष हो जाएंगे। वी शैल हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 4 ईयर्स टुमारो। इस वाक्य में वी अर्थात हमें सब्जेक्ट है, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है, लिव्ड अर्थात रहते वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर मेकिंग दिस वी यूज सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चलने से पहले मुसाफिर स्टेशन पर नहीं पहुंच चुका होगा। द ट्रेवलर विल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट। इस वाक्य में द ट्रेवलर अर्थात मुसाफिर सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नहीं के लिए प्रयोग किया गया है, रीच्ड अर्थात पहुँच वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल उसके आने तक सब गवाह गवाही नहीं दे चुके होंगे। ऑल द विटनेसेस विल नॉट हैव गिवन देयर टेस्टिफाइड बिफोर ही अराइव्स। इस वाक्य में ऑल द विटनेसेस अर्थात सब गवाह हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट के लिए नहीं का प्रयोग किया गया है, गिवन अर्थात दे वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर मेकिंग दिस वी यूज
will, shall plus subject plus have plus verb third form plus object. For example, क्या सरकार ने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया होगा? Will government have increased petrol prices? इस वाक्य में will have helping verb है, government अर्थात सरकार subject है, increased अर्थात बढ़ा verb की third form है और बाकी हमारा object है। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या सूर्य निकलने से पहले वह उठ चुका होगा? विल ही हैव गॉट आउट ऑफ बेड बिफोर द सनराइज। इस वाक्य में विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है, गॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बाकी ऑब्जेक्ट है। इन लास्ट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक प्लस नहीं वाले वाक्य फॉर मेकिंग दिस वी यूज will, shall plus subject plus not plus have plus verb third form plus object. For example, क्या सब सुबह से नहाए नहीं होंगे? will all not have taken bath since morning? इस वाक्य में will have helping verb है, all अर्थात सब subject है, not का प्रयोग नहीं के लिए किया गया है, taken अर्थात नहाए verb की third form है और बाकी हमारा object है। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर नहीं चुका होगा? विल द पेशेंट नॉट हैव डेड बिफोर द डॉक्टर अराइव। इस वाक्य में विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, द पेशेंट सब्जेक्ट है, नॉट का प्रयोग नहीं के लिए किया गया है, डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। If you learn something from my video, please like, comment and share and subscribe my channel and click the notification bell. Thank you for watching my video.